नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। एडिलेड डे नाइट टेस्ट मैच में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। पहली पारी में 244 रन बनाने वाली टीम इंडिया दूसरी पारी में महज 36 रनों पर ही सिमट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के सामने विराट कोहली एंड कंपनी ने केवल 90 रनों का लक्ष्य रखा। इस आसान लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने जो बंस के 85 की बदौलत 2 विकेट खोकर हासिल भी कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल भी कर ली है। एडिलेड टेस्ट मैच में मिली हार के बाद भारतीय टीम की तरफ से कुछ रिकॉर्ड्स बने, जबकि मेजबान ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से भी कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बने। आइए एक नजर डालते हैं एडिलेड टेस्ट मैच में बने 7 बड़े रिकॉर्ड्स पर। ऑस्ट्रेलिया के तूफानी गेंदबाज जोश हेजलवुड ने इस मुकाबले में अपना 200वां टेस्ट विकेट पूरा किया। ऐसा करने वाले वो ऑस्ट्रेलिया के 18वें गेंदबाज बन गए हैं। हेजलवुड ने भारत के खिलाफ दूसरी पारी में 8 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। आपको बता दें, टेस्ट क्रिकेट में टॉस जीतने के बाद विराट कोहली को अपनी कप्तानी में मिली ये पहली हार थी। इससे पहले विराट कोहली कभी भी टॉस जीतकर मैच नहीं हारे थे। एडिलेड टेस्ट में ये रिकॉर्ड भी टूट गया है। तीसरा रिकॉर्ड यह है कि ऑस्ट्रेलिया का डे नाइट टेस्ट में विजय रथ जारी है। ये उनकी 8वीं डे नाइट टेस्ट मैच में 8वीं जीत थी। आज तक कभी भी ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं हारा है। कमाल का प्रदर्शन मेजबानों के द्वारा। इसके अलावा भारतीय टीम दूसरी पारी में मात्र 36 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ये भारत के टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ साल 1974 में भारत ने 42 रन बनाए थे और पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि साल 2008 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जमाने में नाकामयाब रहे। यानी कि साल 2020 में न टेस्ट क्रिकेट में न वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के बल्ले से शतक निकला। इसके अलावा भारत की तरफ से सबसे कम पारियों में 1000 रन पूरे करने वाले मयंक अग्रवाल तीसरे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। मयंक अग्रवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने के लिए 19 पारियों का सहारा लिया। भारत की तरफ से सबसे तेज 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड विनोद कांबली का नाम है। सातवां और आखिरी रिकॉर्ड ये है कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ ये दूसरा मौका है जब पूरी टीम के बल्लेबाज दहाई अंकों का आंकड़ा पार नहीं कर सके। इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ ये हुआ था। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।